हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। सो गाइस, आजकल एक इशू काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को देखने को मिल रहा है जब से iOS 17.5.1 के अपडेट को इंस्टॉल करा है। तो आप सभी ने भी अगर इस अपडेट को इंस्टॉल करा है अपने डिवाइस पे, तो आपको ये चार्जिंग वाज ऑन होल्ड ड्यू टू आईफोन टेम्परेचर का ऑप्शन देखने को ज़रूर मिल रहा होगा। तो ये जो ऑप्शन है, आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हो? ये जो ऑप्शन है आपके आईफोन की चार्जिंग को होल्ड कर देता है, जिसके साथ आपका डिवाइस किसी भी परसेंटेज लेवल पे आके स्टक हो जाता है और उसको चार्ज नहीं होने देता है कंप्लीट 100% या किसी भी वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ज़्यादा ये जो ऑप्शन है 80% के ऊपर देखने को मिल रही है। 80% तक आपका डिवाइस जब चार्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस चार्जिंग को होल्ड के ऊपर सेट कर देता है। आपको उसे कैसे फिक्स करना है, तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसके साथ आप इजीली इसे फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले गाइज, ये जो कॉमन इशू है क्यों देखने को मिल रहा है हर एक आईफोन के ऊपर, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों के मौसम के हिसाब से जो आपका आईफोन है उसको एक ऐसा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता जिसमें वो बढ़िया परफॉर्म कर सके और बढ़िया वो आपको चार्जिंग प्रोवाइड कर सके। आईफोन्स के लिए सबसे बढ़िया टेम्परेचर रहता है 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इसके ऊपर टेम्परेचर गया 35 से, तो भी आपका डिवाइस बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर 30 से नीचे गया तो भी आपका डिवाइस जो है वो इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके अपने डिवाइस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आपकी ये जो इशू है वो हल हो सकेगा। इसको हल करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए आपको करना क्या है कि सिंपली अपने डिवाइस को जब आप चार्जिंग के ऊपर सेट करते हो, कोई भी आपको कवर यूज़ नहीं करना है चार्जिंग के टाइम पे, क्योंकि वैसे ही जब आप चार्जिंग पे सेट करते हो अपने डिवाइस को तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आपने केस यूज़ करना ही है तो कुछ ऐसा केस होना चाहिए जिसमें थोड़े बहुत आपको डॉट्स देखने को मिले, ताकि जो एयर का फ्लो है वो आपको देखने को मिलता रहे और आपका जो डिवाइस है वो एयर को पास करता रहे आपके कवर के थ्रू। सेकंड नंबर के ऊपर, जब भाई आप बाहर से कहीं आते हो तो अपने डिवाइस को कभी भी डायरेक्टली चार्जिंग के ऊपर सेट ना करो। कहीं ऐसी जगह के ऊपर सेट करो चार्जिंग पे जहाँ पर एसी वगैरह लगा हो या कूलर वगैरह लगा हो, कि आपके जो कमरा है, आपका जो रूम है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। उस कंडीशन के ऊपर आप अपने डिवाइस को कंप्लीट 100% तक चार्ज कर सकोगे और ये जो चार्जिंग का इशू है ऑन होल्ड का, ये आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे आप गर्मियों में ही अपने डिवाइस को यूज़ करो। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसके साथ आप इजीली अपने डिवाइस को 80% से भी ऊपर चार्ज कर सकते हो, अगर आपको ये चार्जिंग वाज ऑन होल्ड का इशू देखने को मिलता है आपके डिवाइस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने इस इशू को फिक्स कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।